We have worked hard on our project. Here is hoping it excites the audience. Best of luck, Pakistan. You have a lot of potential. They told us it would be difficult. South के लिए Microsoft Imagine Cup 2019 के जो कि सिंध मदरसतुल इस्लाम में जारी है और हम लाइव हैं इस वक्त हायर एजुकेशन टीवी पर भी और जो सिलसिला है यहाँ पर आने का स्टूडेंट्स का अपने प्रोजेक्ट के साथ वो जारी है. एक और टीम इस वक्त यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है. हर्बगिस टीम है उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की. यहाँ पर मौजूद है ये लोग, इनसे जानते हैं इनका इंट्रोडक्शन और इनके प्रोजेक्ट के बारे में. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. प्लीज अब तो आपको भी इंट्रोड्यूस कीजिए अपने प्रोजेक्ट. जी बिल्कुल. मेरा नाम मोहम्मद मुश्तफा है और इनका नाम मोहम्मद हमाद है. हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है वर्टिकल फार्मिंग और हमारी टीम का नाम है हर्बगिस. एक्चुअली जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं फ्रॉम UID NED, अगर मैं किसी को बताता हूँ कि मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट या मेरा जो प्रोजेक्ट है वो है वर्टिकल फार्मिंग, तो लोग देख के काफी शौक होते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का बच्चा वर्टिकल फार्मिंग या फार्मिंग के सेक्टर पे क्यों जाना चाह रहा है. इसकी बहुत सी वजूहत है कि अगर मैं देखूँ कि हमारी जो फार्मिंग टेक्निक जो हो रही है अब तक जो होती रही है वो बहुत लाइक पुरानी टेक्नोलॉजी की जा रही है, लेकिन अब जो हम लोग वर्टिकल फार्मिंग पे टेक्नोलॉजी करना चाह रहे हैं उसकी वजह यह है कि आपके पास जो फूड आ रहा है वो काफी जगहों से चलता हुआ आ रहा है. अर्थ इंस्टीट्यूट ऑफ कोलम्बिया की एक रिसर्च के मुताबिक 1000 मील के जो है कुछ डिस्टेंस कवर करके फूड आप तक पहुंचता है. दूसरी चीज़ ये पाकिस्तान एग्रीकल्चर होने के बावजूद भी हमारा जो एक्सपोर्ट रेशियो है वो बहुत कम है फूड का, हालांकि वो ज़्यादा होना चाहिए और इम्पोर्ट रेशियो हमारा कम होना चाहिए, लेकिन स्टिल हमारा जो है वो इम्पोर्ट रेशियो बहुत ज़्यादा है. इसके अलावा हमारी जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है वो जितनी भी आपकी जो मेडिसिन जो बनाती हैं, अगर हम देखा जाए 15 साल पहले तो ये सारी फार्मेसी अपने यहाँ पे सारा काम करती थी, सारी जो है वो हर्ब्स यहाँ पे ग्रो की जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा. अब ये सारा इम्पोर्ट किया जा रहा है. इससे बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, जैसे हमारी जो है कंट्री की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है. इसके अलावा जो है फूड जो है हमें हाइजेनिक नहीं मिल रहा. तो ये सारे जो है वो प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हुए हमने इसके ऊपर एक काम करा और बाकी जो है मोहम्मद हमाद आपको बताएंगे इस हवाले से. सर ये उससे पहले हमने कुछ करने के लिए जो हम जा रहे थे करने के लिए उससे पहले हमने जो है वो अलग अलग चीज़ों की रिसर्च कैरी आउट करी कि किस तरह इसको इंटरफेस करके जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा. तो उससे पहले हम लोगों ने सब चीज़ें अलग अलग करके जो है वो देखी ताकि हम लोगों को सही डेटा मिले, सही तरीका पता चले कि किस तरह फार्मिंग जो है वो इंडोर में एप्लीकेबल है और किस हद तक एप्लीकेबल है और इससे फ़ायदा है भी या नहीं फ़ायदा है. टेक्नोलॉजी पर आ गए बट वॉट सोल्यूशन यू आर गोइंग टू बैच. हमें ऐसा कंट्रोल एनवायरनमेंट दे रहे हैं कि जहाँ पे आपका प्लांट पूरा फ्रॉम बॉटम टू टॉप ग्रो हो, लेकिन इसके अंदर आपको ना सनलाइट की जरूरत है ना जो है आपके एनवायरनमेंट की किसी की जरूरत है. हम लोग इनिशियल से लेके एंड तक पूरा एक चैम्बर्स के अंदर से कंट्रोल एनवायरनमेंट दे रहे हैं. जैसे आप हम लोग जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हैं पहली चीज, फर्स्टली. सेकेंडली जो है वो वाटर्स का जो है वो मेंटेन कर रहे हैं. सॉइल यूज कर रहे हैं तो उसकी सॉइल की पीएच, अगर वाटर यूज कर रहे हैं तो वाटर जो है हमारा जो है वो एसिडिक है, बेसिक है. इनफैक्ट इन शॉर्ट न्यूट्रिएंट्स वगैरह हम सब डिसाइड कर रहे हैं. तो हमारा ये आइडिया है कि मतलब प्लांट को एक पूरा एनवायरनमेंट दिया जाए ताकि जो है जो प्लांट फॉर एग्जांपल अगर एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर वो अगर 6 महीने के अंदर वो बन रहा है तो हम इस कंडीशन के जरिए इस अपना जो प्लांट जो अचीव कर रहे हैं वो 2 महीने 3 महीने के अंदर अचीव कर सकते हैं. तो अच्छा ये जो आप बना रहे हैं, सॉरी मैंने थोड़ा सा यहाँ पर उसी के साथ रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये वो टेक्नोलॉजी है जिसको आप हाइड्रोनिक जो कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स को इस्तेमाल करते हैं हमारा विदाउट सॉइल. और सर बस इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी नेचुरल फैक्शन